हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी सी में प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी ऐड करते हैं, जिसको हम लोग हेडर फाइल भी बोलते हैं, जैसे stdio.h। एक्चुअली इज इन हेडर फाइल जो हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर ऐड करें, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कुछ सी प्रोग्राम को रन करने में मदद करती है। एंड इसको कैसे ऐड करेंगे, विद द कीवर्ड ऑफ इंक्लूड, एंड दिस इज एन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सो हम लोगों ने हैश एंड इंक्लूड कीवर्ड की मदद से सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ऐड कर दी। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच। एंड अगेन अगर हम लोगों को मल्टीपल हेडर फाइल ऐड करनी होती, जैसे हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग हेडर फाइल ऐड करेंगे तो कोनियो डॉट एच, तो सेम एज हैश इंक्लूड एस कोनियो डॉट एच, इसके ऐड कर देंगे हम लोग। तो ऐड करने के लिए फाइल, दिस इज द ग्रेटर देन लेस देन साइन, हम लोग इसके बीच में हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। एंड मल्टीपल हेडर फाइल हम लोग ऐड कर सकते हैं सिंगल प्रोग्राम, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस जिसकी जैसे मैथ्स के अगर हम लोग कुछ यूज करेंगे, फॉर्मूलाज यूज करेंगे एडवांस मैथ्स के, तो हम लोग मैथ्स डॉट एच भी यूज कर सकते हैं, कोनियो डॉट एच हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस मल्टीपल लाइब्रेरीज अवेलेबल इन द सी प्रोग्राम कंपाइलर, सी प्रोग्राम लाइब्रेरी। सो अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं मेन फंक्शन। सो मेन इज अ नेम ऑफ द फंक्शन, एंड फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ब्रैकेट से, दिस ब्रैकेट। तो अगर हमारा ये ब्रैकेट लगा हुआ है किसी नेम के आगे, तो हम लोग उसको फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं या फंक्शन बताते हैं। तो एन इंटीजर, इंट लिखा है हम लोग, इंट इज एन काइंड ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप हमने पढ़े थे, डेटा टाइप। सो सी कंपाइलर हमारा लाइन बाय लाइन रीड करता है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, लाइन बाय लाइन रीड करता है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। तो हम लोग सबसे पहले जो भी हम लोग लिखेंगे, जो भी हम लोग लाइन लिखेंगे, सबसे पहले उसको रीड करेगा एंड कंपाइल करेगा। सो कोई भी स्टेटमेंट, जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन की, जैसे इंस्ट्रक्शन, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे एंड होगी वो होगी सेमी कॉलन से। सो इंस्ट्रक्शन, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें, हम लोग मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, देन कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दिस इज एन डेफिनेशन, जो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं फंक्शन की। अभी हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर अ वेरिएबल इंट, दिस इन टाइप डिक्लेरेशन, जैसे हमने ऊपर बात करी फंक्शन की टाइप डिक्लेरेशन, दिस इज इन टाइप डिक्लेरेशन, टाइप डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ए, सॉरी वेरिएबल ए, वेरिएबल बी एंड सम, दीज आर थ्री वेरिएबल्स, ए बी एंड सम, दिस इज एन वेरिएबल। सो हम लोगों ने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया, सो दिस इज एन, हम लोग इसी स्टेटमेंट को बोलेंगे declaration of a variable, declaration of variables। so ये statement के अंदर हमने variable declare किया integer type का, तीनों variable हमने integer type का लिया, क्योंकि हमें sum करना integer type की value, तो तीनों variable हम लोगों ने integer type के लिया, a भी integer type का, b भी integer type का and sum भी integer type का है। comma लगा के हम लोगों ने तीनों को बता दिया है कि ये तीनों integer type के हैं and तीनों same type के हैं। यहाँ हमारा statement end होता है with the semicolon, this is semicolon, सेमीकॉलन से हमारा ये स्टेटमेंट एंड हो गया। देन सेकंड स्टेटमेंट इज, हम लोगों ने यहाँ पर किया है वैल्यू असाइनमेंट, हम लोगों ने ए को बताया कि ए के अंदर जो वैल्यू है, ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो 10 होगी, दिस इज वैल्यू असाइनमेंट। सो ए एंड बी के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दिया है, वैल्यू दे दिया है कि ए को 10 दे दिया है, बी को 12 दे दिया है, तो दिस इज वैल्यू असाइनमेंट। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर, ये हमारा डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, एंड बाकी दोनों स्टेटमेंट इज इन वैल्यू असाइनमेंट। तो वैल्यू असाइनमेंट के बाद में दिस इज एन अर्थमेटिकल ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन मींस मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, आपको भी पता है, ए एन बी को प्लस करने के लिए ए एन बी प्लस किया और सम इज इक्वल टू ए एन बी, दैट इज एंड सेमी कॉलन टू एंड द स्टेटमेंट।
और इंस्ट्रक्शन। तो सम इज एन वेरिएबल जिसके अंदर क्या होगा, रिजल्ट स्टोर होगा। पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि वेरिएबल के अंदर रिजल्ट भी स्टोर होता है एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू, दिस इज इन कॉन्स्टेंट, 10 इज इन कॉन्स्टेंट, 12 इज इन कॉन्स्टेंट। तो ए वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने कॉन्स्टेंट स्टोर किया है, किस किस टाइप का कॉन्स्टेंट है, इंडिया टाइप का। इंडिया टाइप की वैल्यू क्या है, 10, दिस इज 12। एंड सम के अंदर क्या स्टोर होगा, रिजल्ट, रिजल्ट स्टोर होगा। सो सम इज इक्वल टू ए एंड बी, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अभी हम देखते हैं मेन फंक्शन। तो सी सी में क्या होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन रन होगा, मेन फंक्शन प्रोग्राम रन होने के बाद मेन फंक्शन रन होगा, मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन पड़ी है कि पेफास इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है कि टाइप डिक्लेरेशन इंटीरियर टाइप के वेरिएबल हैं 3। एंड देन वैल्यू असाइन किया कि ए को वैल्यू हमने 10 दे दी है, बी को वैल्यू हमने दे दी है 12। और सम जो हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके अंदर दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर जो असाइन किया जा रहा है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे अब जब ये रन होगा तो ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होगा, सम ए की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू 12, तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 22। तो 22 सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब तक हम किसी चीज़ को प्रिंट नहीं कराएंगे सी प्रोग्राम के अंदर, या हम लोग राइट करने की कमांड नहीं लिखेंगे, तो वहाँ पर रिजल्ट शो नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ प्रिंट कमांड नहीं लगा के, ये कमांड नहीं लगाए, हम लोग यहाँ तक प्रोग्राम लिख दें एंड रिटर्न, रिटर्न की बात आगे करते हैं, एंड यहाँ तक प्रोग्राम लिख दें, तो सिर्फ 22 सम के अंदर स्टोर होगा। देन वट वी हैव टू डू, हम लोगों को प्रिंट कराना है इसको। तो प्रिंट कराने के लिए, राइट करने के लिए प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट एफ। सी प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक प्रिंट कराने के लिए, एक स्कैन कराने के लिए। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ एंड स्कैन कराने के लिए स्कैन एफ। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के अंदर सबसे पहले हमने लिखा इनवर्टेड डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटाइल डी कॉमा सम। सम इज एन वेरिएबल नेम जो हम लोगों ने यहाँ से, जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। एंड परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी इज एन फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स प्रिंट के अंदर हमें दो पैरामीटर यहाँ देने पड़ रहे हैं, जिसके अंदर हमें पहले पैरामीटर में बताना पड़ रहा है ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं, जैसे परसेंटाइल डी, डी इज फॉर इंटीजर। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली करते क्या है, फंक्शन के अंदर जब हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देते हैं, तो वो बताते हैं कि जो नेक्स्ट जो वेरिएबल की वैल्यू है, जो वेरिएबल हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, उसके अंदर किस टाइप का, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर है। हम लोग परसेंटाइल डी अगर यहाँ लिखते हैं तो ये इंटीजर टाइप का होता है, परसेंटाइल एफ यहाँ लिखते हैं तो ये रियल टाइप का होगा जो डेटा होगा, एंड परसेंटाइल सी लिखते हैं तो ये करेक्टर टाइप का होगा। जिससे थ्री बेसिक थिंग्स, बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम बेसिकली यूज करते हैं, इसके अलावा और भी स्पेसिफायर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो परसेंटाइल डी इज फॉर द इंटीजर एंड परसेंटाइल एफ फॉर द रियल, एंड करेक्टर के, करेक्टर के लिए हम लोग, करेक्टर कॉन्स्टेंट के लिए, करेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करेंगे परसेंटाइल डी, सॉरी सी। सो परसेंटाइल सी बेसिकली अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग कोई भी करेक्टर टाइप का वो प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि इंटीरियर टाइप की वैल्यू प्रिंट करें, सम के अंदर सम किस टाइप का है, इंटीरियर टाइप का है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे परसेंटाइल डी, क्योंकि हमारी वैल्यू जो हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, वेरिएबल जो हमें प्रिंट करानी है, वो हमारी इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं, परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर टू फॉर टू स्पेसिफाई के अगला हमारा जो डेटा टाइप के अंदर डेटा है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो हम लोग सम को लिखते हैं, दिस इज वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल हम लोगों ने लिया है जिसको भी प्रिंट कराना है। अगर हम लोग यहाँ ए लिख देते हैं तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सपोज आई हैव मेंशन परसेंटाइल डी कॉमा ए, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ कॉमा बी लिख देता हूँ तो 12 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 12 है। और यहाँ अगर मैं सम लिख देता हूँ तो सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सम की वैल्यू 22 होगी। सो ये प्रिंट एफ फंक्शन है प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। देन हम आते हैं रिटर्न जीरो। जब लोग हम फंक्शन की बात करते हैं किसी भी टाइप, लाइक कोई भी डेटा टाइप का फंक्शन होता है, या इंटीरियर टाइप का फंक्शन हो, या करेक्टर टाइप का हो, या रियल टाइप का हो, तो वो उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज अगर ये इंटीरियर टाइप का फंक्शन है तो इंटीरियर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर करेक्टर टाइप का फंक्शन है तो करेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन जो भी, अगर जिस भी डेटा टाइप का होगा उसी डेटा टाइप का वैल्यू वो रिटर्न करेगा,
जैसे आपने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर के अंदर जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद में जब हम लोग उसको दोबारा ब्लैंक करते हैं, सी करते हैं, तो हम लोग उस पर देखते हैं कि रिटर्न जो करता है वो जीरो करता है, क्योंकि इंटीजर टाइप का और इंटीजर टाइप ही वो रिटर्न करता है। सेम एज ए फंक्शन के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो इंटीजर टाइप का क्योंकि हमारा फंक्शन है तो इंटीजर टाइप ही वहाँ पे रिटर्न करेगा, इसलिए हमने लिखा है रिटर्न जीरो। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, तो इसको भी हम लोग सेमी कॉलन के साथ में इसको क्लोज करेंगे। तो दिस इज एन फर्स्ट फंक्शन जो हम लोगों ने किया है। हम लोग दोबारा एक बार देख लेते हैं, preprocessor directive to include the standard input output header file, integer function, integer type का हम लोगों ने function लिया, then function के बाद में हम लोगों ने declare किया, क्या declare किया, variable declare किया, किस type का, integer type का, तीनों variable declare किए, a, b and sum, a को हमने value assign किया 10, b को हमने value assign किया 12, then sum के अंदर हम लोगों ने result store किया with the arithmetical operation, arithmetical instruction, sum is equal to a plus b, then हम लोगों ने प्रिंट किया, printf के फंक्शन की मदद से, printf scanf होता है स्कैन करने के लिए, अगर हमें a या b की वैल्यू स्कैन करनी होती है तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे स्कैन करते हैं, परसेंटाइल d sum, तो हमने sum प्रिंट करा लिया है यहाँ पर, रिटर्न जीरो। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं टर्बो सी के अंदर या किसी भी सी कंपाइलर के अंदर, ऑनलाइन सी कंपाइलर बहुत सारे आए हुए हैं, हम लोग ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज कर सकते हैं, इन फ्यूचर हम लोग करेंगे टर्बो सी हम यूज कर सकते हैं, देयर सो मेनी कंपाइलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो कोई भी कंपाइलर पे हम लोग ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। गाइस अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, तो सी कंपाइलर हम लोग यूज करेंगे, सी कंपाइलर हम लोग सी प्लस टर्बो सी भी यूज कर सकते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर हम लोग देख लेते हैं, फास्ट होता है, कंपाइलर भी अच्छा होता है, हम लोग लिख लेते हैं सी कंपाइलर ऑनलाइन, देख लेते हैं, देयर सो मेनी कंपाइलर्स, अब हम देखेंगे कंपाइलर ही कंपाइलर है तो सी कंपाइलर है, हम लोग फर्स्ट कंपाइलर यूज कर लेते हैं, प्रोग्रामीज अच्छा कंपाइलर है और सारी फैसिलिटी भी देता है, अगर हम लोग बाकी किसी पाइथन को या किसी भी डेटाबेस को या कहीं भी हम लोग HTML5 या कोई भी अगर हम अदर कंपाइलर चाहिए होता है या रन करना होता है प्रोग्राम को तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम यहाँ इसको डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को हटा लेते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio H। हम लोगों ने हेडर फाइल ऐड कर ली है, देन हम लोग फंक्शन लिखेंगे int main, फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया है, फंक्शन को हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, हम लोग यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int a कॉमा b कॉमा sum, हमने अपनी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिख ली है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, अब हम लोग वैल्यू असाइनमेंट करेंगे वेरिएबल को, एक वेरिएबल को असाइन करेंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू 10 एंड बी को असाइन करेंगे 12, सेम एज जो हमने प्रोग्राम लिखा था, और इसके बाद हम लोग आर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसका हम लोग रिजल्ट इसमें स्टोर करेंगे सम के अंदर, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, स्टेटमेंट एंड कर लेते हैं, सेक्शन सेमीकॉलन से एंड हो जाती है एंड प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ का पी स्मॉल है, डिफॉल्ट स्मॉल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी, क्योंकि हमारा जो सम का रिजल्ट है जिसको हमें प्रिंट कराना है इट इज इन इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंटाइल डी, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सम एंड स्टेटमेंट हम लोग एंड कर लेते हैं, देन रिटर्न जीरो, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का, अगर फ्लोट या फिर रियल टाइप का होता तो हम लोग रिटर्न हम लोग करेक्टर टाइप करते हैं, रियल टाइप करते हैं, अगर करेक्टर टाइप का होता तो करेक्टर टाइप करते हैं, तो रियल टाइप का होता तो रियल टाइप हम लोग रिटर्न करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप वैल्यू ही हम लोग रिटर्न करेंगे, तो हम लोगों ने जीरो रिटर्न कर दिया। अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, हम लोग प्रोग्राम लिख लिया है, रन करके देखते हैं, देन वी कैन सी द रिजल्ट इज 22, तो हमारा रिजल्ट गाइस हमारा रिजल्ट आ चुका है, सेम 22 प्रिंट हो चुका है। सो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, इसको हमने कंपाइल कराया सी कंपाइलर पर, ऑनलाइन सी कंपाइलर पर, जिसका हमें रिजल्ट भी मिल गया है। सो दिस इज आवर एक्चुअली फर्स्ट प्रोग्राम वीडियो, सो आगे के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच।